Hello students, welcome to my channel Bioca Doctor. Today I am going to start new topic human DST system. Human DST system को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि digestion क्या होती है. Digestion क्या होता है कि एक जो food की complex form है उसको simple form में convert करना. अब food जो हम use करते हैं उसमें क्या होता है, या तो carbohydrates हो गए या फैट होगा या प्रोटीन्स होंगे, विटामिन्स मिनरल्स ये सभी होते हैं. अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस चीज़ से बना होता है, वो एक चेन होती है शुगर मॉलिक्यूल्स की. ठीक है, वो आगे शुगर मॉलिक्यूल कितने हैं, एक है तो उसको मोनोसेक्राइड बोले, दो हैं तो डाइसेक्राइड. ठीक है, इसी तरह अगर मैनी हो गए तो उसको पॉलीसेक्राइड बोल देते हैं. तो ये एक चेन मतलब होती है, उसमें हाउ मैनी ग्लूकोज मोलिक्यूल्स उसके साथ अटैच है उसी हिसाब से आगे उसकी क्लासिफिकेशन होती है. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गया ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया, और जो एक यूनिट हो गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो हो गया सिंपल फॉर्म. तो इसी तरह फैट होता है, फैट किस चीज से बना होता है, उसमें एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है, उसके साथ तीन फैटी एसिड अटैच होते हैं. तो जो ये फैटी एसिड हो गया और ग्लिसरॉल, ये इसकी सिंपल फॉर्म आ गई, और जो फैट है वो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी. इसी तरह जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स की बने होते हैं. तो प्रोटीन्स हैं उसको मतलब उसकी जो सिंपल फॉर्म होगी वो अमाइनो एसिड होगी. तो इसको हम एज इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पहले हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. मीन्स टू से कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फैट को फैटी एसिड में, और इसी तरह जो प्रोटीन है उसको अमाइनो एसिड में चेंज करना पड़ेगा, फिर वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी. इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. ओके, अब आ जाता है कि ये डाइजेशन करता कौन है. वो सारे ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसमें कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं और उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होती है. ये सभी जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये टुगेदर एक सिस्टम बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब आपको पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का वो सेल्स होते हैं. सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू बोल देते हैं. टिश्यू आगे ऑर्गन्स बना देते हैं, ऑर्गन आगे ऑर्गन सिस्टम बना देता है. सो ऑर्गन्स जो हैं उनका आगे एक स्पेसिफिक फंक्शंस हो जाता है. सो वो सारे ऑर्गन्स जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, अब इसमें जो भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, उसके जो पार्ट्स हो गए, या एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, इन सभी का एक ही काम है कि डाइजेशन करवाना. तो वो एक सिस्टम में आ गए. तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन इसमें ऑर्गेनाइज हो गए टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, तो उसको हम बोलेंगे एक सिस्टम. सो ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हमको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ये पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या. सो डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरह का ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. ठीक है, जो टेक पार्ट इन इंजेशन ऑफ फूड, क्रशिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल एंड इजेशन ऑफ इनडाइजेस्टिबल मैटर. ओके, अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें एक होता है एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल होगी उसके मतलब एनिमेंट्री कैनाल क्या है, एक तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंड करता है. जो माउथ है वो इसका इंटीरियर पार्ट हो गया, और जो टर्मिनल पार्ट है उसको एनस बोल देंगे. अब स्टार्ट होती है माउथ से, माउथ से आगे आ जाता है ओरल कैविटी. जो अंदर वाला हिस्सा आ गया उसको ओरल कैविटी कहते हैं. ओरल कैविटी में क्या होता है, टीथ होते हैं, टंग होती है. ठीक है, यहाँ पे कुछ खाने की डाइजेशन होती है, लेकिन मेनली 30% ऑफ स्टार्च है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होती है ओरल कैविटी में. यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होती है. ठीक है, इससे आगे जो खाना है वो कहाँ जाएगा, फेरिंक्स में जाता है. फेरिंग से आगे जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस के आगे स्टोमक में, स्टोमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं ड्यूडेनम, सेकंड होता है जेजुनम, थर्ड होता है इलियम. स्मॉल इंटेस्टाइन लीड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में आगे तीन पार्ट होते हैं, एक होता है सीकम, सेकेंड वन इज कोलन, थर्ड वन इज रेक्टम. अब इसके साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. उन ग्लैंड्स में एक हो गए सैलिवरी ग्लैंड्स. ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं,
तो तीन टाइप के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो आगे हम स्टडी करेंगे। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ये सलाइवा सक्रीट करते हैं, जो सलाइवा है वो माउथ में डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड हो गया लीवर, लीवर में से कुछ सक्रीशन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं। इसी तरह पैनक्रिया से कुछ जूस बनते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, वो आगे डाइजेशन में मदद करते हैं। तो हम जो आज का लेक्चर है उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बेसिक एनाटॉमी है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो स्टडी करेंगे। जो इसके फंक्शन है वो मैं सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो उसमें सारा आएगा कि कैसे इंजेशन हो रही है, डाइजेशन है, फिर एब्जॉर्प्शन हो रही है, एसिमिलेशन है, इजेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी इस पार्ट में हम सिर्फ स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, ये देखिए पहले इसकी डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये है, ये देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट हो गया माउथ, माउथ से आगे अंदर वाला पार्ट माउथ का ओरल कैविटी बोल देते हैं। ओरल कैविटी से ये आगे चला गया खाना, इसको फेरेंक्स पोर्शन बोल देते हैं। फेरेंक्स से आगे ये जाता है ईसोफेगस में, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फेरेंक्स ईसोफेगस से आगे जाएगा स्टोमक में। स्टोमक क्या है, एक मस्कुलर बैग होता है, स्टोमक है ये देखिए, ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। उसके आगे ये वाला पोर्शन जो हो गया, यहाँ से इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ये कॉइल्ड फॉर्म में पड़ी होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं ड्यूडेनम। ये देखिए, ये सी शेप भी बोल सकते हैं, इसको यू शेप भी बोल सकते हैं ऐसे। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये हो गया। आगे ये जेजुनम में हो जाती है, ये सेकेंड पार्ट है। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं ईलियम। ईलियम है, इट लीड्स इन टू द सीकम। जो सीकम है यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। सो जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ईलियम का, वो कहाँ पे लीड करता है, टू द लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है सीकम में। सीकम के साथ ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर अटैच है, इसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ओके, अब सीकम है, सीकम से आगे कोलोन आ जाता है। कोलोन के तीन पार्ट होते हैं, ये जो ऊपर जा रहा है इसको हम बोल देते हैं असेंडिंग कोलोन। ओके, असेंडिंग से आगे ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो गया, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद ये डिसेंडिंग साइड पे आ जाता है, इसको हम बोल देते हैं डिसेंडिंग कोलन। ओके, आगे ये जो पोर्शन है यहाँ से, इसको सिग्मॉइड कोलन बोल देते हैं। लास्ट में ये रेक्टम आ जाता है, यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज होती है फीसिस की, और ये रेक्टम है वो लीड करता है टू द एनस। अब एनस है यहाँ, इसके नियर टू स्फिंक्चर्स होते हैं जो कि जो इजेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है माउथ का। सो माउथ क्या है, ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, आपको पता ही है, एक तरह की ओपनिंग है, ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर ओपनिंग। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इन बिटवीन द नोज एंड चिन। तो इसके ये बाउंडेड होती है बाय टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स अपर एंड लोअर। जो लिप्स होते हैं वो हेल्प इन होल्डिंग द फूड। तो इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब आप आगे चलते हैं, आगे आ जाएगी बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ओके, अब जो बक्कल कैविटी है वो माउथ से लेके फेरिंग्स तक का जो पोर्शन है उसको हम बक्कल कैविटी बोल देते हैं। ओके, ये माउथ का यहाँ से स्टार्ट होगी अंदर वाले पार्ट से, यहाँ से लेके ये जो फेरिंग्स तक का पोर्शन है यहाँ तक, इसको हम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोल देते हैं। अब ओरल कैविटी में क्या होता है, आपको पता ही है कि अंदर एक तो टीथ होते हैं, टंग होती है। ओके, अब उसका फंक्शन होता है डाइजेशन में, और कुछ ओपनिंग्स डक्ट की ओपनिंग होती हैं जो कि सैलिवरी ग्लैंड से आती हैं, वो जो डक्ट्स हैं उसके थ्रू जो सलाइवा है वो ओरल कैविटी में आता है। ओके, सो फर्स्ट जो बक्कल कैविटी है ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स। अब ये इट लाइज बिटवीन द टू जार्स के ऊपर वाली जो जार है उसको हम बोल देते हैं मैक्सिला भी बोल देते हैं, वो फिक्स होती है, उसको हम मूव नहीं कर सकते। और जो नीचे वाला जा होती है उसको हम बोलते हैं मैंडिवल। ओके, सो टू जार्स होती है, अपर फिक्स एंड लोअर मूवेबल, अपर वाली को मैक्सिला और नीचे वाली को मैंडिवल। ये इन जार्स में क्या होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं इन सेमी सर्कुलर आर्चेस। वो टीथ कितने होते हैं, क्या है आगे, वो आगे जब टीथ का आएगा वहाँ पे स्टडी करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो बक्कल कैविटी है माउथ टू फेरिंग्स एक्सटेंड कर रही है, टू जार्स के बिटवीन लाई कर रही है, अपर वाला फिक्स होता है, नीचे वाली जा है मूवेबल होती है, और इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ओरल कैविटी का जो ऊपर रूफ वाला पोर्शन है अपर साइड पे, उसको हम बोलते हैं पैलेट। आप जीभ से उस ऊपर वाले पोर्शन को टच करके देखिए,
वो वाला जो पोर्शन है उसको पैलेट बोलते हैं। जो पैलेट है ये इसके आगे दो पार्ट होते हैं, एक हार्ड पार्ट होता है वो बोनी स्ट्रक्चर होता है, और पीछे जाके ये मस्कुलर पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ठीक है, अब जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके साथ एक छोटा सा पोर्शन होता है यूवुला बोलते हैं उसको, यूवुला। उसका क्या फंक्शन होता है कि जब हम खाना स्वेलो करते हैं तो उससे क्या होता है कि कई बार ये हो सकता है कि खाना फेरेंक्स में ना जाके नेजल कैविटी में कुछ उसका पार्ट चला जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो यूवुला है वो नेजल कैविटी को कवर कर लेता है। ओके, अब जो लोअर साइड होती है इसकी ओरल कैविटी को, वो टंग कवर करती है और पीछे से थ्रोट आ गया। ओके, नेक्स्ट वन लेटरल साइड्स पे, साइड वाली जो ओरल कैविटी की है वो चीक्स आ गई उसकी। ओके, तो ये अपर साइड, इसको पैलेट, पैलेट आपने सुना होगा, इसको हिंदी में तालू भी बोल देते हैं, लोकल लैंग्वेजेस में कहते हैं तालू, वो चीज होती है ये पैलेट। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन है टंग। अब टंग है जो, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल का बना होता है। अब आपको पता है कि बॉडी में तीन तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं कार्डियक मसल्स, वो हार्ट के साथ लिंक्ड होते हैं, आपको पता ही है। सेकंड होता है स्केल्टल, जो स्ट्रक्चर होता है, जो बोनी स्ट्रक्चर है हमारा बॉडी का, स्केल्टन है, उसके साथ मसल्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो उसको हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अपनी बाजू मूव करनी है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बाजू ऊपर उठाऊँ तो मैं उठा सकता हूँ, तो वो जो मसल्स हैं वो स्केल्टल मसल के साथ मतलब मूव करते हैं, तो इट मीन्स क्या हो गया कि हम उसको वॉलंटरली मूव कर सकते हैं। और एक होते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, जिनको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं, वो जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। अब जो टंग है ये भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो ये कौन से मसल्स का बना होता है? ये स्केल्टल मसल्स का बना होता है। अगर स्केल्टल मसल्स का बना होता है, इट मीन्स इसकी जो अटैचमेंट है किसी ना किसी बोनी स्ट्रक्चर से होगी। सो ये पोस्टीरियरली अटैच्ड होता है ओवर द लोअर जा, एक बोन होती है हायड बोन बोलते हैं, उसके साथ ये अटैच होता है। ओके, सो सेकंड ये हो गया कि इसको हम मूव कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, मस्कुलर और मूवेबल स्ट्रक्चर। थर्ड है ये सेंसरी ऑर्गन भी इसको बोलते हैं। अब आ गया कि सेंसरी ऑर्गन क्यों बोलते हैं। सेंसरी क्या है कि ये सेंस करता है, ये इसके ऊपर जो ऊपर अपर सरफेस होती है टंग की, वहां पे कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम पैपिले बोलते हैं, और पैपिले के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, तो वो खाने को टेस्ट करते हैं कि खाना जो है स्वीट है, सोर है, ठीक है, या बीटर है, तो वो डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट हमें आते हैं वो टंग से आते हैं, इसीलिए ये सेंसरी स्ट्रक्चर हो गया। अब टेम्परेचर है जो खाने का, वो भी जैसे ये ज़्यादा गर्म है, ठंडा है, वो भी टंग सेंस करती है, इसीलिए ये एक सेंसरी ऑर्गन भी हो गया। सो इससे मस्कुलर, मूवेबल एंड सेंसरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, ये पोस्टीरियरली अटैच्ड होता है ओवर द लोअर जॉ। ओके, अब इसका क्या फंक्शन है, मैंने बता दिया कि ये टेस्ट बड बियर करते हैं, इसलिए टेस्टिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। सेकेंड, इट अलाउज च्यूइंग एंड स्वेलोइंग ऑफ फूड। च्यूइंग क्या होता है कि जैसे ये जब खाना जब हम ओरल कैविटी में लेके जाते हैं, तो वो टंग की मदद से हम उसको रोल ओवर करते हैं, तो फिर आगे विद द हेल्प ऑफ टीथ जो लार्जर पीसीज होते हैं उसको हम स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टंग है वो स्वेलिंग में मदद करती है। स्वेलिंग से क्या होगा कि जो खाना है वो आगे फेरेंक्स वाले पोर्शन में चला जाएगा। तो टंग है वो स्पीच में भी एड करती है, सो इट एड्स इन स्पीच, ये इसके फंक्शंस हो गए। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट आ गया टीथ। अब टीथ मैंने आपको ऊपर बताया है कि दो जा होती हैं, अपर जा को बोलते हैं मैगजीला, और जो लोअर जा है उसको हम बोलते हैं मैंडीबल। अब जो टीथ हैं इन जाज में इमेंडेड होते हैं, उसके अंदर इसकी रूट्स होती हैं वो इमेंडेड होती हैं। अब डेंटिशन क्या होती है, जो टीथ की अरेंजमेंट होती है जाज में उसको हम डेंटिशन कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं टीथ का। टीथ के तीन पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर, ये मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, इसको रूट बोलते हैं, ये देखिए, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन ये दिखा रहा हूँ, ये सारा टीथ है ये वाला। ओके, अब जो ये रूट है ये बोनी सॉकेट आ गया नीचे, तो ये बोनी सॉकेट में जो इसकी रूट है वो इम्बेडेड है, तो ये सारा पोर्शन रूट हो गया। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ऐसे कर्व ले रहा है, ये जो पोर्शन हो गया इसको नेक बोल देते हैं, ये गम लाइन पोर्शन होता है, यहाँ से मतलब गम है, मतलब ये सारा गम आ गई, ये वाला पोर्शन, ठीक है, गम टिश्यू होते हैं ये जो पोर्शन, ये इसको गम लाइन बोल देते हैं, जहाँ तक गम एक्सटेंड करती है,
इसको नेक, यहाँ कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है। आगे जो ये वाला पोर्शन है, ये देखिए, ये वाला सारा, ये क्या है, ये क्राउन वाला पोर्शन है। अब ये देखिए, ये जो मैंने थोड़ा सा ग्रेश कलर में शो किया है यहाँ से लेके, ये डेंटाइन पोर्शन है। अब ये डेंटाइन जो, ये रूट वाला पार्ट हो गया और ये ऊपर क्राउन वाला पार्ट हो गया। अब ये जो डेंटाइन पोर्शन है क्राउन वाले पार्ट में, ये एक हार्ड सब्सटेंस से कवर होता है, इसको इनेमल बोलते हैं। ये जो व्हाइट में शो किया है ये सर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल। अब इनेमल जो है ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इज इनेमल। ओके, क्लियर हो गया। ये देखिए, ये मैंने नीचे यहाँ मार्किंग की है, ये रूट हो गई यहाँ तक, यहाँ से नेक हो गई, और ये जो आगे वाला पोर्शन है ये क्राउन हो गया। इसके ऊपर ये जो आगे मटेरियल, ये इनेमल है, ठीक है। अब ये वाला जो रेड पोर्शन में दिखाया है, ये क्या चीज़ है, डेंटाइन के अंदर, ये जो ये डेंट, ये कि मैंने बताया ना, ये डेंटाइन होता है, डेंटाइन के अंदर नीचे ये एक पल्प कैविटी होती है। अब दांत को जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड इसमें आता है, ठीक है, वो सारा ब्लड वेसल्स, नर्व्स, जिससे हमको सेंसेशन होती है, गर्म है, ठंडा है, वो सारा ब्लड वेसल्स की जो ब्लड की सप्लाई होती है, वो ये पल्प कैविटी में होती है। अब जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि दांत में कैविटी होगी, वो क्या होता है एक्चुअल में, वो यहाँ पे जैसे पहले कैविटी स्टार्ट होती है, तो धीरे 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 वो नीचे जाती है, ये पल्प को इन्वॉल्व कर लेती है। जब वो पल्प तक चली जाती है फिर वो पेनफुल हो जाती है, ठीक है ना। तो पल्प में जाके पेनफुल क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स होती हैं, जब वो नर्व तक चली जाती है तो फिर वो पेन क्रिएट करती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब दांत में शुरू में कैविटी होगी तो आप उसको डेंटिस्ट को दिखा के उसकी फीलिंग करवा लीजिए, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो नीचे तक चली जाती है, फिर वो डेंटिस्ट क्या करते हैं, उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो नर्व है वो कट कर देते हैं, फिर आगे उसका मटीरियल से फिल कर देते हैं, ऊपर कैप वगैरह चढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, फिर वो नर्व अगर कट हो गई तो नर्व क्या है, जो पेन है वो नर्व से फील होती है, वो खत्म हो जाती है। ओके, सो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया, रूट, रूट से आगे नेक, नेक से आगे क्राउन, ठीक है। तो इसको हम अभी स्टडी करते हैं। ये देखिए, टीथ आर इमेंडेड इन द जॉस, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जॉ इज कॉल्ड डेंटिशन, उसको क्या बोलते हैं, डेंटिशन। अब जो टूथ होता है उसके तीन पार्ट हैं, फर्स्ट हो गया क्राउन, जो ऊपर वाला पार्ट है, पहले वहां से मैं स्टडी कर रहा हूं। ये एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द टूथ अबव द गम्स, ठीक है, ये ऊपर हमें दिखता है जो पोर्शन, वो क्राउन हो गया। इट इज कवर्ड विद द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी कॉल्ड इनेमल, ठीक है, मैंने आपको बताया। सो बनीथ द इनेमल डेंटाइन इज प्रेजेंट, डेंटाइन क्या हो गया, उसके जो नीचे प्रेजेंट है ये वाला पोर्शन, ये जो ग्रे कलर में है थोड़ा, ये डेंटाइन हो गया, ये इनेमल हो गया, इनेमल के नीचे ये आ गया डेंटाइन। ओके, अब सेकेंड है नेक, इट इज द नैरो पोर्शन एट द गम लाइन। थर्ड वन हो गया रूट, रूट इज इम्बेडेड इन द जॉ बोन। सीमेंटम इज द सब्सटेंस अराउंड द रूट दैट होल्ड द टूथ इन द सॉकेट। अब ये सीमेंटम है जो, ये एक तरह का मतलब सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है, जो कि ये देखिए, ये सीमेंट, ये जो थोड़ा सा इसके साथ ये अटैच, ये तो डेंटाइन हो गया, इसके साथ ये पतली सी लाइन जा रही है, ये सीमेंटम है, ये क्या करता है, इसको अटैच करके रखता है इसके साथ। सीमेंट का काम जैसे मतलब बाइंडिंग मटेरियल हो गया ये, ठीक है। सो ये हो गया कि सीमेंटम इज द सब्सटेंस अराउंड द रूट दैट होल्ड द टूथ इन द सॉकेट। डेंटाइन फॉर्म्स द बल्क ऑफ द रूट, देयर इज पल्प कैविटी इन साइड द डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी है, मैंने बताया कि पल्प कैविटी में क्या है, नर्व फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और सेंसरी सेल्स हैं। ये आपको क्लियर हो गया, आगे चले। अब जो डेंटिशन है, देखिए इसकी एक वर्ड है, जैसे हटेरोडोंट, डिफियोडोंट, थिकोडोंट, इसका क्या मतलब होता है। हटेरो मीन्स डिफरेंट। अब जो ह्यूमन्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, इंसाइजर होते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, कैनाइंस होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, सो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इसीलिए हम इसको जो डेंटिशन है ह्यूमन बींग, इसको हटेरोडोंट बोलते हैं। सेकंड है डेफियोडोंट। डेफियोडोंट का मतलब होता है कि जो लाइफ में है ह्यूमन्स के, वो दो तरह के दांत आते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ, होता है ना बच्चे के मिल्क टीथ, वो बाद में रिप्लेस हो जाते हैं विद परमानेंट टीथ, क्योंकि ये लाइफ में दो बार अपीयर होते हैं, इसीलिए इसको डेफियोडोंट बोलते हैं, डाई मीन्स टू। थर्ड वन इज थिकोडोंट। थिको मीन्स
कि जो रूट्स हैं, जो मतलब टीथ होते हैं उसकी, जो रूट्स हैं वो जा में इम्बेंडेड होती हैं, उसके साथ वैसी अटैच नहीं होती। सो इसीलिए इसको बोलते हैं थिकोडोन। रूट्स आर इम्बेंडेड इन द डीप बोनी सॉकेट। क्लियर हो गया? सो ये तीन टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है। हेटेरोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। डाइफियोडोंट मीन्स टू टाइम्स लाइफ में ग्रो करते हैं, मिलक टीथ, परमानेंट टीथ। थिकोडोंट मीन्स जो रूट्स हैं वो इम्बेंडेड होती हैं डीपली इन द बोनी सॉकेट। ओके ठीक है, आगे चले। अब ये देखिए, जो टीथ चाइल्डहुड में होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ बोलते हैं। आप पता ही है आपको, बच्चे को जो दांत होते हैं दूध के दांत बोलते हैं ना, वो मिल्क टीथ हो गए, वो टेम्पररी होते हैं। उनका नंबर कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है, वो 20 नंबर में होते हैं। अब कैसे होते हैं वो आगे हम स्टडी करते हैं। जो अडल्ट हो गए उसमें जो मिल्क टीथ है वो रिप्लेस हो जाते हैं बाद में परमानेंट टीथ से, उनका नंबर कितना होता है 32। क्लियर हो गया? दूध के दांत 20 और अडल्ट में 32। और एक आ जाता है डेंटल कैरिस या टूथ डिके, वही मैंने जो ऊपर आपको मेंशन किया था कि उसमें कैविटी बन जाती है, वो कैसे बनती है? ये बैक्टीरिया होते हैं हमारी ओरल कैविटी में, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। तो जैसे हम मान लो खाना वगैरह खा रहे हैं, अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे तो क्या होता है, कुछ फूड पार्टिकल्स हैं जो वो हमारी जो स्पेसिस होती है इन बिटवीन टीथ, वहाँ पे क्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया है जो है वो कार्बोहाइड्रेट है या शुगर वगैरह उसके ऊपर वो एक्ट करते हैं, वो एक्ट करके क्या करते हैं, एक एसिड बना देते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो जो एसिड है वो जो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, मैंने आपको बताया था इनेमल, उसको वो सॉफ्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो सॉफ्टनिंग है वो इनेमल से होती हुई डेंटाइन पोर्शन तक पहुंच जाती है। इट काजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द इनेमल एंड डेंटाइन। और अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो क्या होगा, वो पल्प कैविटी तक पहुंच जाएगा। पल्प कैविटी बताई थी ना, तो उसमें क्या होता है, पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं। तो जब वो पल्प कैविटी में पहुंच जाएगी तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, तो हमको दर्द होगा। ओके क्लियर हो गया? अब ये देखिए डेंटल फार्मूला क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, पहले तो टीथ जो है ये देखिए, ये अपर और लोअर जा मैंने शो की है, ये वाले आप चार देखिए, फर्स्ट ये देखिए, ये चार फर्स्ट वन लाइन है ना, जो ये लाइन ड्रा की है, इसके दोनों तरफ के दो दो टीथ, ये वाला दो, ये हो गए ये वाला और ये वाला, ये जो चार टीथ हो गए ये हो गए इंसाइजर्स। ओके इनको हम बोलते हैं इंसाइजर। सो इंसाइजर एडल्ट में कितने होते हैं, चार होते हैं। सेकंड वन एक जा में, हाँ सेकंड वन हो गया, उसके साथ ये वाला एक इस तरफ और एक दो के इसके साइड, एक ये वाला, तो टोटल कैनाइन हो गए एक इस तरफ एक इस तरफ, टोटल हो गए दो। ओके उसके आगे आ जाते हैं ये वाले एक और दो, ये हैं प्री मोलर्स, दो इस तरफ हो गए और दो इस तरफ होंगे, एक और दो, ये हो गए प्री मोलर्स। और जो लास्ट वाले तीन होते हैं, ये वाले तीन, ठीक है, इनको हम बोल देते हैं मोलर्स। ओके क्लियर हो गया? ये चार, एक दो तीन चार, ये इंसाइजर्स, इसके साथ वाला कैनाइन दोनों तरफ, उसके साथ वाले दो प्री मोलर्स ये हो गए और दो प्री मोलर्स इधर हो गए, उसके साथ वाले हो गए तीन मोलर्स और तीन मोलर्स। अब अगर हम ये देखिए, ये हमने अपर और लोअर जा लिए, इसको हम दो हाफ में डिवाइड कर दिए पहले, उसको हम फिर ऐसे ट्रांसवर्स फिर डिवाइड कर देते हैं। अब क्या है कि एक जा है वो आगे दो हिस्से में डिवाइड होगी। अब ये देखते हैं कि इसके मतलब 1/4 हिस्से में टोटल कितने दांत हैं, उसी हिसाब से हम डेंटल फार्मूला निकालते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, एक साइड पे मतलब 1/4 पोर्शन में ले रहा हूँ मैं, टू इंसाइजर्स, ये देखिए ये 1/4 पोर्शन हो गया, चाहे ये 1/4 ला लो, चाहे ये 1/4 लगा लो, चाहे ये 1/4 लगा लो, चाहे ये 1/4, इनमें सेम आएगा सभी में। अब ये दो हो गए इंसाइजर्स, ये वाला कौन सा है कैनाइन, ये कितने हैं एक, ये वाले कितने हो गए दो प्रीमोल, ये कौन से हैं प्रीमोलर, ये कितने हैं दो, आगे वाले ये कितने हैं तीन, ये क्या है मोलर्स। तो फार्मूला क्या बन गया, दो एक दो तीन, मतलब दो एक दो तीन अपर जाब में हो गए या एक हाफ में हो गए, और दो इतने ही सेम ही इसी में है, दो एक एक दो फिर तीन। तो ये अगर हम डिवीजन लें इस तरह, हम डेंटल फार्मूला लिखते हैं 2123 डिवाइडेड बाय 2123, वन साइड अपर वन साइड लोअर,
तो टोटल कितने हो गए, तीन, तीन दो पांच, तीन आठ, ठीक है, आठ आठ, नीचे भी आठ हो गए, 16। तो हम इनको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक हाफ का ले रहे हैं ना हम ये, ठीक है। तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए, 32। तो मैंने बताया था कि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 इन नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया डेंटल फार्मूला, एक बार दोबारा मैं आपको ये देखिए, अब ये अपर जा और लोअर जा दिखा दी मैंने। अब अपर जा में ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ है, ये लोअर जा में अरेंजमेंट ऑफ टीथ है। अब अपर जा में जो ये फर्स्ट फ्रंट वाले होते हैं, ये इसको पहले आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ऐसे दो हाफ में डिवाइड हो गया। अब ये लॉन्गिट्यूडनली हो गए, ये ट्रांसवर्स हो गया, ओके। ट्रांसवर्स मतलब अपर और लोअर जा होगी। अब ये देखिए, इसके ये चार वाले जो फ्रंट वाले होते हैं, चार, इनको इंसीजर्स बोलते हैं। उसके साथ एक इस तरफ, एक इस तरफ, इसको कैनाइन बोलते हैं। उसके साथ ये दो वाले टीथ हो गए, दो इधर और दो इधर, इनको बोलते हैं प्री मोलर्स। और जो लास्ट वाले तीन होते हैं इनको हम बोलते हैं मोलर्स, ओके। अब हम जब डेंटल फार्मूला निकालते हैं तो 1/4 पोर्शन में जो होता है अपर वाले में और 1/4 पोर्शन जो नीचे वाला, उनको डिवाइड कर देते हैं। अब ये देखिए, दो इंसाइजर्स हो गए तो दो लिख लेंगे पहले। सेकंड वन हो गया कैनाइन, कैनाइन कितना है, एक, उसको एक लिख लिया। फिर प्री मोलर्स, प्री मोलर्स कितने हैं, दो, दो लिख लिया। फिर मोलर्स हैं कितने हैं, तीन, तीन लिख लिया। सो 2123 डिवाइडेड बाय 2123, ठीक है, आठ ये हो गए, आठ ये हो गए, टोटल हो गए 16। अब 16 इसके हो गए दोनों तरफ के, टोटल कितना हो गया, 32। क्लियर हो गया, ओके। ये देखिए 2123 डिवाइडेड बाय 2123, वन साइड अपर वन साइड लोअर, टोटल 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो गए। अब आ गया डेंटल फार्मूला मिल्क टीथ का। अब मिल्क टीथ में और एडल्ट में, अब मैंने बताया था कि मिल्क टीथ में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 20। अब क्या डिफरेंस है उनमें, देखिए ये देखिए, ये अपर जा होगी, ये लोअर जा होगी। ये जो है चार, एक दो तीन, सॉरी, एक दो तीन चार, ओके, ये क्या है, चार, ये इंसाइजर्स हैं। जो एडल्ट में थे वो भी इंसाइजर थे और ये भी इंसाइजर है, ओके। अब इसके साथ ये आ गया कैनायन, वही सेम जैसे एडल्ट में था। अब उसके आगे वहां पे एडल्ट में थे प्री मोलर्स, लेकिन यहाँ पे प्री मोलर्स नहीं है, यहाँ पे प्री मोलर्स नहीं है। तो बच्चे में जो है मिल्क टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ में या टेम्पररी टीथ में प्री मोलर्स टीथ एबसेंट होते हैं, ओके, क्लियर हो गया। अब ये लास्ट वाले दो दिखाए हैं, ये है मोलर्स, एडल्ट में ये तीन थे। ये आप थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए कि ये जो लास्ट वाले दो टीथ मैंने आपको शो किए हैं, ये मोलर्स हैं। ये देखिए, ये मार्किंग की हुई है, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, लेकिन जो एडल्ट थे उसमें तीन मोलर थे, एडल्ट वाले केस में तीन मोलर थे। ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो इसमें हमने क्या लिया था डिवीजन, जैसे ये देखिए, ये दो इंसाइजर थे, एक कैनायन था, दो प्री मोलर थे जो कि बच्चों में नहीं है। ये तीन लास्ट वाले मैंने दिखाए थे मोलर्स। अब जो बच्चे वाले केस में तीन नहीं है, वहां पे कितने हैं, दो हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला वहां पे तीन है वो क्या होता है, वो अकल जाड़ होती है, जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। एडल्ट्स में ये जो तीसरा मोलर टीथ होता है विजडम टीथ, तो वो एडल्ट्स में ही होता है, बच्चों में नहीं होता। प्री मोलर्स बच्चों में एबसेंट हो गए और एक जो विजडम टीथ है वो बच्चे में नहीं होता। तो ये 17 या 18 ईयर्स के बाद जो विजडम टीथ है वो आता है, ओके, क्लियर हो गया। तो उसी तरह इसका भी हम फार्मूला लिख लेंगे, इसको भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इंसीजर हो गए दो, कैनाइन हो गया एक, प्री मोलर्स है नहीं तो प्री मोलर्स की जगह हम डाल लेंगे जीरो, और मोलर्स कितने हैं, दो। तो ये बन गया 2102, 2102 ए हो गया, 2102 इधर हो गया। तो टोटल कितने हो गए, ये देखिए, दो तीन दो पाँच, ठीक है, पांच ऊपर हो गए पांच नीचे हो गए, टोटल कितने, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने हो गए टोटल, 20। सो मिल्क टीथ कितने हैं, 20। अब ये एक चीज और देखिए, ये देखिए, मैंने आपको ये टर्म बताई थी, डिफियोडोन ग्रोस ट्वाइस इन लाइफ, मतलब जो लाइफ में दो बार आते हैं। अब इसमें कुछ टीथ हो गए जो कि लाइफ में एक बार ही आ रहे हैं। अब कौन कौन से टीथ हैं, वो प्री मोलर्स हैं, वो एक बार आ रहे हैं लाइफ में, वो एडल्ट्स में ही आएंगे, बच्चों में प्री मोलर्स नहीं है, इसलिए वो डिफियोडोंट नहीं है। वो कौन से हैं, वो मोनोडोंट हो गए,
ठीक है। और एक हो गए जो विजडम टीथ है, विजडम टीथ भी बच्चे में नहीं आ रहा, तो वो भी डिफियोडोंट नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? ओके आगे चलें। अब आगे आ जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स। अब सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं, इनका काम होता है सलाइवा सक्रीट करना, ठीक है, सलाइवा थूक जिसको बोलते हैं, तो वो ओरल कैविटी में सक्रीट होता है, लेकिन प्रोडक्शन होती है उसकी ग्लैंड्स में, सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स हैं, ये ओरल कैविटी में अपना सलाइवा सक्रीट करते हैं थ्रू डक्ट्स। डक्ट्स क्या होती हैं? एक तरह की जैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है डक्ट, ठीक है, तो वो बनाते हैं अपना सलाइवा, सलाइवा डक्ट के थ्रू ओरल कैविटी में सक्रीट करते हैं। ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते सैलिवरी ग्लैंड, मैं आपको शो करता हूं। ये देखिए, पहले तो आपको ये पता होना, ये पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड की मतलब अगर एक ग्लैंड है उसके मतलब दो होते हैं, मतलब पेयर्ड में होगा। जैसे ये मैंने दिखाया है लार्जेस्ट ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये देखिए, दिस वन इज पैरोटिड ग्लैंड, ओके। सेकेंड है ये वाला, दिस इज सब मैंडिबुलर, इसको सब मैक्सिलरी भी बोल देते हैं, सब मैंडिबुलर भी बोल देते हैं। थर्ड वन ये हो गया सब लिंगुअल ग्लैंड, ये साइड व्यू से लिया है। ये देखिए, ये हो गया पैरोटिड ग्लैंड, ये हो गया सब मैंडिबुलर, और ये नीचे एक ये वाला, ये हो गया सब लिंगुअल, ओके। अब इनकी जो सक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू आगे ओरल कैविटी में, इनकी जो सक्रीशन है सलाइवा ओरल कैविटी में जाता है। फर्स्ट ये देखें कि थ्री पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, तीन पेयर होते हैं, उसमें जो फर्स्ट वाला है वो पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है सैलिवरी ग्लैंड में से, ये तीनों में से सबसे जो लार्जेस्ट है वो पैरोटिड होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज लोकेटेड ऑन ई साइड ऑफ द फेस इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। ये देखिए, ई साइड ऑफ द फेस, ये ईयर्स आगे, इसके फ्रंट आगे, ओके। सो ई साइड ऑफ द फेस इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, इसकी लोकेशन होगी। सेकेंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इट इज लोकेटेड बनीथ द एंगल ऑफ लोअर जॉ, इट इज लोकेटेड बनीथ द, ये एंगल हो गया, ये देखिए, जैसे ये नीचे जो मैंडिबल वाला पोर्शन मैंने बताया था, ये ऐसे ही, ये इसको एंगल बोल देते हैं। सो एंगल जो है मैंडिबुलर का एंगल, उसके जो नीचे ये मतलब प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से इसकी डक्ट होती है वो ऐसे अंदर जाती है ओरल कैविटी में, उससे थ्रू सलाइवा यहाँ अंदर जाता है। क्लियर हो रही है बात? थर्ड हो गया सब लिंगुअल ग्लैंड्स, दीज आर लोकेटेड अंडर द टंग इन फ्लोर ऑफ द माउथ, ये टंग के अंदर होते हैं, पर ये नहीं है कि ये अंदर ओरल कैविटी में होंगे, ये बाहर होते हैं, जो फ्लोर होती है ना आगे, इसकी काफी डिटेल होती है, अभी यहाँ से आपको क्लियर नहीं होगा अच्छी तरह, पर ये याद रखिए कि ये ग्लैंड्स अंदर ओरल कैविटी में नहीं होती, इनकी डक्ट्स अंदर आती हैं, ग्लैंड्स बाहर पड़े होते हैं। अब जो माउथ की फ्लोर होती है, वो जो मैंने आपको बताई थी ओरल कैविटी की फ्लोर टंग होगी, उसके नीचे होता है जो स्ट्रक्चर सारा, वो फ्लोर होती है, वहां पे ये सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, पर इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो टंग के बिल्कुल नीचे आ जाती है, इसलिए इसको सब लिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। अब इनकी डक्ट्स होती हैं, तो डक्ट्स के थ्रू ये जो अपना सलाइवा है वो ओरल कैविटी में सक्रीट करते हैं। अब जो सलाइवा है इसमें डिफरेंट, ये एक वाटरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें म्यूकस भी होता है, इसमें कुछ आयंस भी होते हैं, और इसमें एक एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेस, या उसको टाइलिन भी बोलते हैं, वो जो कार्बोहाइड्रेट हम फूड में ले रहे हैं उसके स्टार्च पे एक्ट करेगा और उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। वो आगे इसके जो फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी डिटेल में, ये अभी तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको मैंने वैसे ही थोड़ा ब्रीफ में बता दिया, ओके। क्लियर हो रही है मेरी बात? सो सैलिवरी ग्लैंड हैं, ये सलाइवा सक्रीट करते हैं, कहाँ पे ये ओपन करते हैं? इन टू द बक्कल कैविटी। अब एक देखिए, जो ग्लैंड्स होते हैं ना बॉडी में, आपने पढ़ा होगा कि एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? जिनकी डक्ट्स होती हैं, जो उनकी सक्रीशंस है डक्ट्स के थ्रू, जहां पे उनको चाहिए एट द साइट ऑफ एक्शन, वो थ्रू डक्ट्स वो अपनी सक्रीशन वहां पे पहुंचाते हैं, तो उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, उनकी कोई डक्ट नहीं होती, तो वो अपनी सक्रीशंस है ब्लड में देते हैं, ब्लड आगे जहां उसको नीड होती है वहां पे लेके जाता है। अब ये कौन से ग्लैंड हो गए फिर? सैलिवरी ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गए, क्योंकि इनकी डक्ट्स होती हैं, तो डक्ट्स के थ्रू ये सलाइवा है उसको ओरल कैविटी में सक्रीट करते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब देखो, बॉडी में एक ग्लैंड होता है कि वो एक ग्लैंड है जो दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं पेनक्रियास, ओके। अब आगे
इसी में आएगा पैनक्रियास की स्टडी करेंगे। तो पैनक्रिया में डक्ट भी होती है, उसके कुछ अलग अलग पोर्शन में सेल्स पड़े होते हैं, तो वो जो उसके अंदर जूस बनता है पैनक्रियाटिक जूस, वो डक्ट्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में जाता है, तो वो डक्ट भी आ गई उसमें। और सेकेंड उसकी एक इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन है वो डक्ट के थ्रू नहीं जाता, वो ब्लड में जाता है। सो ब्लड में जाके फिर वो आगे अपना एक्शन करता है, तो उसका क्या काम होता है इंसुलिन का, वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये आपको पता लग गया ना, जो सेलिवरी ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ओके, सो तीन पेयर्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड याद रखिएगा, सेकंड सब मैंडिबुलर, थर्ड सबलिंगुअल। ओके, अब आगे पोर्शन आ गया फेरेंक्स। अब फेरेंक्स क्या होता है, फेरेंक्स ये देखिए, ये देखिए, ये माउथ वाला पार्ट हो गया, माउथ ओरल कैविटी। अब हम यहाँ से खाना ले रहे हैं, खाना ये ओरल कैविटी में पार्शली डिजेस्ट हो गया। अब ये देखिए, ये खाना जो है डिजेस्ट होके, यहाँ जिसको बोलस बोल देंगे, जो थोड़ा पार्शली डिजेस्ट होगा, ये आगे जाके ये देखिए इस पोर्शन में चला गया, ये पोर्शन फेरेंक्स है। अब इसमें एक चीज नोट कीजिए आप, ये नेजल कैविटी होगी, ये नाक से हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। ये जो एयर है वो भी इस पोर्शन से जाती हुई, ये देखिए आगे इस पोर्शन में आती है फेरेंक्स में। तो जो फेरेंक्स है ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि कॉमन पैथवे हो गया फॉर द पैसेज ऑफ बोथ फूड एंड एयर, यहाँ से फूड भी पास करेगा और एयर भी पास करेगी। ओके, अब ये देखिए, ये जब फेरेंक्स है आगे जाता है, आगे जाके जो पोर्शन इसका नेजल कैविटी से आ रहा है वो लेरेंस में चला जाता है, लेरेंस आगे ट्रेकिया में मतलब आ जाता है, वो क्या हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया ये वाला, ये देखिए सारा आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये इसोफेगस में चला गया, जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो ट्रेकिया हो गया, उसके बैक साइड पे क्या आ गया इसोफेगस आ गई। सो इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, तो खाना है जो है वो इसोफेगस में जाता है। अब ये जो ये मैंने बताया है लेरेंक्स, जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर लेरेंक्स होता है, वॉइस बॉक्स जहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो लेरेंक्स है इसके साथ एक ऑर्गन होता है छोटा सा, उसको होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं और इसको स्वेलिंग करते हैं, और जब ये आगे फूड पाइप में जाता है, तो वो जो एपिग्लोटिस है वो ये ट्रेकिया वाले पोर्शन को ऊपर से कवर कर लेता है, ताकि जो खाना है वो ट्रेकिया में ना चला जाए, ठीक है। तो अगर ट्रेकिया में चला गया तो वो कहते हैं ना, कई दफा भी अपना कहते ने पंजाबी जी भी, खाना खाते खाते बोलना नहीं चाहिए, वो ऐसे करके बोल देने, क्योंकि ज़्यादा अपन बोलते हैं तो वो जरा एपिग्लोटिस वाला पोर्शन है वो खुल जाता है, तो वो ना फिर जरा खाना है वो ट्रेकिया च जा सकता है। ओके, क्लियर हुई बात। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन है इसोफेगस। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोल देते हैं, ये एक ट्यूब लाइक ट्यूब ही है, तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, नैरो पोर्शन होता है, नैरो मस्कुलर डिस्टेंसिबल ट्यूब, ये आपको पता ही है, डायग्राम मैंने दिखाई थी। अब ये क्या करता है, ये फेरेंक्स से लेके स्टोमक तक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम इसोफेगस बोलते हैं। सो ये फेरेंक्स को स्टोमक मतलब ये कनेक्ट करती है फेरेंक्स को स्टोमक के साथ, ये पास करेगी थ्रू नेक, तो जो फेरेंक्स है वो ऊपर पर है, ऊपर पर नेक से जाएगी, नेक से आगे थोरेक्स से जाएगी, थोरेक्स से आगे डायफ्राम में जाएगी, डायफ्राम को क्रॉस करती हुई फिर ये आगे एब्डोमिनल कैविटी में जाती है, वहां पे ये लीड करती है इनटू द स्टोमक। अब पता है ना कि जो बॉडी है, डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, वहां पे लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट है, ठीक है। और जो डायफ्राम के नीचे वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ओके, तो हमको जो इसोफेगस है एबिडोमिनल कैविटी तक लेके आनी है, वहां से स्टोमक पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो ये फेरेंक्स से स्टार्ट होता हुआ नेक, थोरेक्स और डायफ्राम को क्रॉस करता हुआ कहाँ पे आएगा एबडोमिनल कैविटी में, इट लीड इनटू द स्टोमक। अब इसकी नियर अबाउट जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है, इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे किसी किस्म की डाइजेशन नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुई है वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि जो माउथ में स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन होती है विद द एक्शन ऑफ सेलिवरी अमाइलेज दैट प्रेजेंट इन द सलाइवा सेक्रेटेड बाय द सेलिवरी ग्लैंड्स, तो वो जो
स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो उसमें वो सेलिवरी अमाइलेज और जो खाना है उसकी मतलब रिएक्शन हो रही है, डिजेशन हो रही है, वो डिजेशन इसमें कंटिन्यू रहती है ईसोफेगस के थ्रू, लेकिन ईसोफेगस के अपने पास कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता, इसलिए वो यहाँ पे कोई डिजेशन नहीं होती। ओके, इट डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। म्यूकस ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं, ठीक है। उसका क्या काम होता है कि जैसे किसी पैसे में जा रहे हैं, अगर पैसे वो ड्राई होगा तो वो फिर वो क्या होगा कि रफनेस क्रिएट करेगा, उससे जो उसकी वाल है उसके ऊपर इंजरी होगी, तो वो जो म्यूकस ग्लैंड है वो म्यूकस सेक्रेट करते हैं। तो जो म्यूकस है वो एक तरह की ल्यूब्रिकेशन देता है, सो ल्यूब्रिकेशन से क्या होता है कि ईजी पैसेज हो जाता है फूड का। सो इट्स वाल सेक्रेट म्यूकस फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पासिंग फूड। ओके, इन ईसोफेगस द फूड इज पुश्ड टुवर्ड्स स्टोमक बाय पेरिस्टाल्सिस। अब ईसोफेगस में कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, वो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है एक पोर्शन का, मतलब कंट्रैक्ट कर गया मसल होता है फिर रिलैक्स कर गया, वो फूड उसको आगे प्रोपेल कर देता है, फिर वो वहाँ से कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है आगे चला जाता है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ईसोफेगस में आप याद रखिएगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो खाना है वो आगे पुश होता है, फिर वो ईसोफेगस कहाँ पे जाती है? स्टोमक में। ओके, अब आ गया स्टोमक। स्टोमक जो है ये लार्ज एंड वाइडेस्ट एंड थिक वाल्ड मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से स्टार्ट हुई है, पहले हमने देखा कि वो माउथ से ओरल कैविटी, फेरेंस, फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो ट्यूब यहाँ पे आके वाइड हो जाती है, जो आगे जाके ये फिर मतलब इसका जो डाया कम हो जाता है, लेकिन ये वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। तो इट इज़ द लार्ज वाइडेस्ट और यहाँ पे थिक वाल्ड होती है, जो स्टोमक है काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, ये मसल है एक बैक की तरह बिहेव करता है। सो इट इज़ ए थिक वाल्ड मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब इसकी जो शेप है वो जे शेप्ड होती है। अब स्टोमक का स्ट्रक्चर शुरू शुरू में हमने देखा था, मैंने वहाँ भी आपको बताया था, फिर आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ईसोफेगस आई, ईसोफेगस ये नेक में से क्रॉस की, ये सारी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे एक मसल होता है डायफ्राम, जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। अब एब्डोमिनल कैविटी में ईसोफेगस लीड इनटू द स्टोमक। अब ये देखिए, ये क्या हो गया है, एक तरह का जेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, ठीक है, ये वाला, इसीलिए इसकी जो शेप है वो जे लाइक होगी। ओके, अब जो स्टोमक है ये कहाँ पे लीड करेगा, ये वाले पोर्शन में। ये क्या है, ये इंटेस्टाइन आ गई, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम। अब जो स्टोमक है इसके आगे चार पार्ट होते हैं, एक तो ये वाला पार्ट हो गया जहाँ से ईसोफेगस है ये स्टोमक में एंटर करी है, ये इसको बोल देते हैं कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट ऑफ द, ये यहाँ इसके पीछे ना हार्ट आ जाता है, तो इसीलिए इसका नाम कार्डियक पोर्शन है। ये ऊपर वाला जो ये हम्प लाइक पोर्शन है ऐसे प्रोजेक्ट हुआ, इसको हम बोल देते हैं फंडस, और ये जो मेजर पार्ट हो गया ये बॉडी हो जाती है इसकी, स्टोमक की, और ये जो आगे वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक रीजन। यहाँ पे ये दोनों तरफ ये चीज आप ध्यान दीजिए, अभी डायग्राम में ईसोफेगस से जो ये चीज यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे एक स्फिंक्चर होता है। स्फिंक्चर का क्या मतलब होगा, यहाँ पे एक स्फिंक्चर होगा और यहाँ भी एक स्फिंक्चर होगा, ये ऊपर वाले स्फिंक्चर को बोलेंगे ईसोफेगस के साथ है ईसोफेगल स्फिंक्चर, ये पाइलोरिक पोर्शन के साथ अटैच होते हैं, इसको हम बोल देते हैं ये पाइलोरिक पोर्शन है ना लास्ट वाला, तो यहाँ पे स्फिंक्चर, इसको हम बोल देंगे पाइलोरिक स्फिंक्चर। इसका क्या काम होता है कि जैसे फूड एक बार यहाँ पे एंटर कर गया तो फिर ये अगर यहाँ पे इसकी मिक्सिंग होती है, ठीक है, एंजाइम एक्टिव, ये दोबारा जो मतलब फूड है वो दोबारा ईसोफेगस में ना चला जाए। इसी तरह पाइलोरिक स्फिंक्चर का क्या काम है कि ये जब जब आगे चला जाता है कि वापस बैक जो है स्टोमक में ना आ जाए, तो ये स्फिंक्चर्स का यहाँ पे रोल होता है। तो अभी ये आपको क्लियर हो गया, ईसोफेगस ये जे लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये ट्यूब देखिए यहाँ से, ये है ट्यूब ही है एक तरह की, पर ये वाइड होगी यहाँ पे, ये देखिए यही ट्यूब वाइड होगी, आगे जाके ये फिर नैरो हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए शेप है इसकी, जे शेप्ड हो गया। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया कि ये
एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में होता है या राइट साइड में होता है, लेफ्ट पार्ट में होता है। और एब्डोमिनल कैविटी के मतलब ऊपर वाले दो हिस्से हो गए राइट एंड लेफ्ट, और नीचे वाले दो हिस्से होते हैं राइट एंड लेफ्ट। सो ये अपर लेफ्ट पार्ट में होता है, ये लोकेशन याद रखिएगा, इसकी शेप जे शेप, ये अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द डायफ्राम। हमने बताया था ना डायफ्राम एक मसल होता है जो कि थ्रेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। वो जो हम आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना उसमें डायफ्राम का जिक्र आएगा, वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। पर अभी आप याद रखिए कि जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे ये स्टोमक प्रेजेंट होता है और अपर लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है बिलो द डायफ्राम। ओके, अब जो स्टोमक है इसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो ग्लैंड्स हैं वो जूस सक्रीट करेंगे, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और जो ग्लैंड्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं और ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, इनको हम बोल देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और जो इनकी सक्रीशंस होंगी उनको गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। ओके, ये आगे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो कैसे उस परफॉर्म करते हैं, क्या क्या सक्रीशन, इसकी क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है ये जूस की, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम फंक्शन स्टडी करेंगे वहाँ पे आपको क्लियर होगा। अभी आप बस इतना याद रखिए कि स्टोमक में से जो ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, वो वहाँ से जूस सक्रीट होता है, उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ओके, तो इसके मैंने आपको ऊपर बताया कि इसके चार पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक पोर्शन। सो कार्डियक पार्ट जो होता है इट इज प्रेजेंट क्लोज टू द हार्ट, ऊपर बताया ना मैंने, तो इसोफेगस ओपन इनटू दिस पार्ट, जो ऊपर वाला फर्स्ट पोर्शन होता है जहां से इसोफेगस स्टोमक को लीड करती है, वहां पे ये पोर्शन कार्डियक पार्ट हो गया। सेकंड हो गया फंडस पार्ट, जो ऊपर मैंने दिखाया था ऊपर वाला हिस्सा, जैसे ये वाला ऐसे करके ऊपर को दिखाया था ना डोम शेप, वो फंडस पार्ट है, यहाँ पे ज्यादातर एयर प्रेजेंट होती है। थर्ड हो गया बॉडी, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टोमक, ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने दिखाया, ये ऊपर से इसोफेगस आ रही है ये वाली, ये देखिए इसोफेगस लीड इनटू दिस, यहाँ पे इसोफेगस स्फिंक्टर होता है। इस पोर्शन को जो फर्स्ट पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं कार्डियक पोर्शन। सेकंड हो गया ये ऊपर डोम शेप्ड, इसको हम बोल देते हैं फंडस। ये मेन होगी तीसरा पार्ट बॉडी, बॉडी के आगे ये फोर्थ पोर्शन हो गया पाइलोरिक। ओके, सो बॉडी दिस इज द मेन पार्ट, ये ज्यादा पोर्शन है पाइलोरिक है। अब ये जो पाइलोरिक पोर्शन है ये आगे कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में, उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। सो पाइलोरिक इट ओपन इनटू द ड्यूडेनम। अब जो ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन मींस ओपनिंग ऑफ दिस, यही आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, दिस इज रेगुलेटेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्चर। यहाँ पे एक स्फिंक्चर होता है उसको हम बोल देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्चर। क्लियर हो गया, अब आगे आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसका नाम स्मॉल है पर ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। यस, ओके, नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पर इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, पर ये लॉन्गेस्ट पार्ट होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा स्पेस कवर नहीं करता, क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट हो जाता है, क्योंकि इसकी कॉइलिंग होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने ये दोबारा आपको डायग्राम दिखा रहा हूं मैं एक बार, ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो गए, ये ड्यूडेनम आ गया, आगे जेजुनम बन जाता है, आगे फिर ये इलियम बन जाता है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, पर क्योंकि इसकी कॉइलिंग हुई है बहुत ज़्यादा इसलिए ये स्पेस इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट हो जाता है। क्लियर हो गया, ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होती हैं। इट इज द साइट ऑफ मेजर डाइजेशन। ओरल कैविटी में 30% डाइजेशन होती है स्टार्च की, और बाकी जो डाइजेशन है थोड़ी स्टोमक में आ गई, उसके बाद जो मेजर डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और यहीं से जो खाना है एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, जाएगा आगे ब्लड में। वो ठीक है, वो ब्लड फिर आगे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको जो सेल होते हैं वहां पे उसको सप्लाई करता है। ओके, इट रिसीव सेक्रीशंस फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड लीवर एंड प्रोसेसेस नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।
अब ये देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पोर्शन है फर्स्ट पार्ट, वहां से कुछ डक्ट आती है जो कि पैनक्रियास से आएगी और लीवर से आएगी। लीवर में क्या होता है, बाइल बनता है बेसिकली, वो बाइल है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर वो जो डक्ट है पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके ड्यूडेनम में अपनी सेक्रीशंस है पोर कर देती है। अब जो बाइल है वो कहाँ से हुआ, लीवर से आया, और पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस होता है, वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पे अपनी सेक्रीशंस को लीड करता है, इनटू द ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यही इसमें ये बताया कि इट रिसीव सेक्रीशंस ऑफ पैनक्रियाज एंड लीवर एंड पोसेसिव नंबर ऑफ डाइजेस्टिव, इसके अपने ग्लैंड्स भी होते हैं, और जो ये इनके ग्लैंड्स होते हैं वहां से भी कुछ सेक्रीशंस होंगी, जो वो सेक्रीशंस होती हैं उनको हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, सेक्रीशन ऑफ द इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, स्टोमक में भी प्रेजेंट थे ग्लैंड्स, उनको हम बोलते थे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और यहाँ पे हो गए इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और यहाँ से जो सेक्रीशंस होगी इन ग्लैंड्स की उनको हम बोलेंगे सक्कस एंटेरिकस। क्लियर हो गया? अब ये जो आपको अभी ये शायद ना क्लियर हो रहा हो कि पैनक्रियाज और लीवर से कैसे आ रहा है, अभी एक ये बार ये फॉर्मली आप इसको नोट कर लीजिए, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये आपको सारी क्लियर हो जाएगी, इसको मैं बड़ी डिटेल से डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करूंगा। हाँ, ये अकेली के लिए बात आपको क्लियर होगी। अभी बस ये आप देखिए कि पैनक्रियाज और लीवर से कुछ सेक्रीशंस आती हैं जो कि ड्यूडेनम में आती है, ड्यूडेनम से फिर आगे डिजेशन होती है, वहाँ पे मतलब वो डिजेशन में हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब जो इसके ग्लैंड्स है उसकी सेक्रीशंस को क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। तो इसकी जो लेंथ दी है ह्यूमन बींग्स में, इट इज अबाउट 6 मीटर इन लेंथ। ओके, ये 6 मीटर के करीबन होती है इसकी जो लेंथ है। ओके, अब ये देखिए मैंने कलर डायग्राम दिखाई है, ये ऊपर से स्टार्ट हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये हो गया ड्यूडेनम। ओके, अब ड्यूडेनम के बाद ये जैसे ये कॉइलिंग ही है सारी, ये देखिए ये ग्रीन वाला पोर्शन सारा, ये क्या है, ये हो गया जेजुनम सेकंड पार्ट, और लास्ट वाला पार्ट है वो इलियम हो गया, ये वाला, ये देखिए जो ये दिखाया हुआ रेड कलर में, ये इलियम हो गया। अब इलियम कहाँ पे लीड कर रहा है, ये ऊपर वाला, ये यहाँ पे सीकम होता है, सीकम है, सीकम आगे ये कोलन वाला पोर्शन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, ये वाली, ये असेंडिंग कोलन है, ये ब्राउन वाला जो दिखाया है, ये फिर ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, फिर ये नीचे आ जाता है डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, तो अभी ये आपको मतलब पार्ट्स क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने दिया है। तो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम ये हो गया ड्यूडेनम, सेकेंड वन जेजुनम, लास्ट वन इलियम। ओके, अब जो इंटेस्टाइनल की जो वॉल होती है वहाँ पे कुछ एक प्रोजेक्शंस होती हैं, न्यू फोल्ड्स लाइक फोल्ड होती है, फोल्डिंग होती है उसकी वॉल की, तो उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम विलाई बोल देते हैं, विलाई। अब विलाई का क्या काम है कि वहाँ पे एक तो जो विलाई है इंटेस्टाइनल है वहाँ पे मतलब एब्जॉर्प्शन हो रही है, जो फूड डिजेशन होगी लास्ट में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो जो ये विलाई है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड में हेल्पफुल होते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ इसको वैसे एक बार याद रखिए कि इंटेस्टाइनल जो वाल है इट इज थ्रोन अप इनटू न्यूमरस फोल्ड, वहां पे हैविंग फिंगर लाइक ऑफ प्रोजेक्शन जिनको हम विलाई बोलते हैं, जो विलाई है इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, एक और है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में इसकी लेंथ डिफरेंट होती है। ठीक है, क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं उन्होंने उनको सेलुलोज की डिएशन करनी होती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जो हर्बीवोर्स होते हैं वहाँ पे जो उसकी लेंथ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है कार्निवोर्स के। ओके, ये आप पॉइंट याद रखिए कि लॉन्गर होती है जो हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि उनकी जो एक तो वेजिटेबल मैटर है वो बल्क क्वांटिटी में होता है, सेकंड स्लो डाइजेशन होती है सेलुलोज की। ठीक है, इसलिए वो हर्बीवोर्स में इसकी जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंपैरेटिवली लॉन्गर होती है कंपेयर टू कार्निवोर्स, क्योंकि उनका जो बल्क वो स्मॉलर होता है और ईजी डाइजेशन हो जाती है मीट की। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इलियम वो कहाँ पे लीड कर रही है, इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन नाम इसका लार्ज है, पर लेंथ
इतनी नहीं है इसकी, 1.5 से 1.8 मीटर है, परंतु इसका जो डायामीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है। ये देखिए लेंथ इसकी ज़्यादा है, इसकी ये सारी लेंथ कंपैरेटिवली इसके बहुत कम है, लेकिन इसका जो डाया है स्मॉल इंटेस्टाइन का कम है, इसका डाया ज़्यादा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, सो इसका जो डायामीटर है ये अप टू 8 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे कोई डिजेशन नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन में, वो सारी डिजेशन है कहाँ पे कंप्लीट हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट मीन जब यहाँ पे डिजेशन ही नहीं होनी तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे इसके तीन पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डिजेशन नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ जो वाटर होता है ना, जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल एब्जॉर्ब हो गया, जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, वो अनडाइजेस्टेड मटीरियल में से जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ये लार्ज इंटेस्टाइन, और जो सॉलिड फीकल मैटर हो गया वो फिर आगे थ्रू एनल कैनाल है इसको टू द एक्सटीरियर मतलब ये चला जाता है, तो उस प्रोसेस को इजेशन बोल देते हैं। ओके, तो आगे इसके तीन पार्ट है, फर्स्ट वन इज सीकम, सो इलियम ओपन इन टू द सीकम। ठीक है, द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू इट, जो मैंने आपको फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है उसमें ये क्लियर है कि जो छोटी सी एक स्ट्रक्चर उसके साथ प्रेजेंट थी सीकम के, उसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है बोलते हैं। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन। सेकेंड है कोलोन, कोलोन के आगे फोर पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलोन, ठीक है ये वाला, ये जो है ये असेंडिंग हो गया, ये ट्रांसवर्स, फिर ये डिसेंडिंग, ठीक है, उसके नीचे सिग्मॉइड कोलोन होता है और रेक्टम आ जाता है। सीकम इलियम, इलियम क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट ओपन इनटू द सीकम, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसके साथ सीकम के साथ अटैच होती है। अब कोलोन है इसकी आगे फोर रीजन है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन है, ये सॉरी ये आप असेंडिंग कोलोन के बाद ट्रांसवर्स कोलोन लिखिएगा, उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन है और लास्ट में सिग्मॉइड कोलोन है। ठीक है, तो असेंडिंग के बाद डिसेंडिंग नहीं है, असेंडिंग के बाद ट्रांसवर्स कोलोन आएगा। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग कोलोन तीसरे नंबर पे आपने लिखना है, पहले असेंडिंग कोलन, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन और लास्ट में सिग्मॉइड कोलन, और सिग्मॉइड कोलन ये चार पार्ट हो गए कोलन के। उसके बाद आ जाता है रेक्टम, रेक्टम इज द डिस्टल सेगमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको रेक्टम बोल देते हैं। वो क्या करता है, वो टेम्पररी फीसिस को स्टोर करता है, और जो रेक्टम है वो एनस के साथ अटैच होता है, रेक्टम आगे ओपन होकर जाता है इनटू द एनस, एनस के एनस में भी दो तरह के स्फिंक्चर्स होते हैं विच इज गार्डेड बाय टू एनस स्फिंक्चर। ठीक है, सो इसका जो मेन फंक्शन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का वो मैंने आपको बता ही दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा जरूर, असेंडिंग कोलन ये मैं कर ही देता हूँ, ये आप गलत ना हो जाए, असेंडिंग के बाद है ट्रांसवर्स कोलोन, ओके, और उसके बाद आएगा डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन लीडिंग टू द ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन लीडिंग टू द डिसेंडिंग कोलोन, आफ्टर दैट सिग्मॉइड कोलोन। ओके, क्लियर हो गया। सो ये आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो मैंने आज सारा आपको स्टडी करवाया, होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें इसकी मैं जो डिटेल फंक्शनिंग है विद डायग्राम आपको लेके आऊँगा, तो आप जो एक बार उसको देख लेंगे उसके बाद आपको इसको याद करने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, थैंक यू।